सो वी आर हेयर विद द बेस्ट लैपटॉप अंडर 55,000। वेल दोस्तों, जब कोई 55,000 प्राइस स्पेंड करता है लैपटॉप के ऊपर, वो चाहेगा कि उसे सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस डिवाइस मिले, जिस पर वो बिना किसी दिक्कत के अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से हर एक सॉफ्टवेयर को चला सके। इसलिए आफ्टर 100 आवर्स ऑफ रिसर्चिंग, वी क्रिएटेड दिस बेस्ट लैपटॉप अंडर 55,000 कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो। मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखें तो आपको आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से 55,000 प्राइस के अंदर एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट लैपटॉप हमारे इस वीडियो में जरूर मिलेगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स सी व्हिच आर द बेस्ट लैपटॉप्स अंडर 55,000। फर्स्ट, लेनोवो आइडियापैड गेमिंग 3। नो डाउट 55,000 प्राइस के अंदर शायद ही कोई ऐसा परफॉर्मेंस लैपटॉप एग्जिस्ट करता है जो इस लेनोवो आइडियापैड गेमिंग 3 के परफॉर्मेंस के आसपास भी परफॉर्मेंस ऑफर कर सके। ये लैपटॉप हर एक हेवी प्रोडक्टिविटी टास्क के लिए गुड इनफ है, चाहे आपको फुल एचडी वीडियो एडिटिंग करना हो, ओवर 60 FPS गेमिंग करना हो या फिर 3D रेंडरिंग जैसे टास्क करना हो। क्योंकि ये लैपटॉप एक 11th जनरेशन i5 CPU के साथ आता है, इसलिए इसके अंदर 4.4 GHz मैक्स टर्बो बूस्ट फ्रिक्वेंसी एंड 8 MB स्मार्ट कैश है। इस 11th जनरेशन CPU का मैक्सिमम परफॉर्मेंस निकालने के लिए लेनोवो ने इसके अंदर NVIDIA Zenfone GTX 1650 4GB ग्राफिक्स कार्ड इस्तेमाल किया है। ये 11th जनरेशन i5 CPU एंड GTX 1650 4GB ग्राफिक्स कॉम्बिनेशन आराम से सॉफ्टवेयर्स लाइक Premiere Pro, 3DS Max एंड GTA 5 को भी रन कर सकता है। आपका गेमिंग परफॉर्मेंस और भी बेटर करने के लिए इसमें एक 120Hz रिफ्रेश रेट, 15.6 inches IPS फुल HD डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जिसका कलर्स एंड स्मूथनेस नो डाउट बहुत ज़्यादा अच्छा है। इस लैपटॉप के अंदर 8GB इनबिल्ट रैम देखने को मिल जाता है, जिसको आप इन फ्यूचर 16GB तक अपग्रेड करके लैपटॉप का मैक्सिमम मल्टीटास्किंग परफॉर्मेंस निकाल सकते हो। एंड स्टोरेज में इसमें 512GB SSD देखने को मिल जाता है। यह लेनोवो आइडियापैड गेमिंग 3 मिलिट्री ग्रेड बिल्ड क्वालिटी ऑफर करता है, जो इसको ड्यूरेबल एंड फ्यूचर प्रूफ लैपटॉप बनाता है। और तो और, इस लैपटॉप के अंदर लेनोवो ने 21% लार्जर थर्मल एरिया भी दे रखा है, जिससे इस लैपटॉप का कूलिंग परफॉर्मेंस और बेटर हो सके। इस लैपटॉप का बैटरी बैकअप की बात करें तो एट ए फुल चार्ज ये लैपटॉप आपको नियरली 6.4 आवर्स बैटरी बैकअप ऑफर करने के केपेबल है। इन शॉर्ट, अगर आप एक हेवी प्रोडक्टिविटी लैपटॉप चाहते हो, हेवी गेमिंग, हेवी वीडियो एडिटिंग एंड अदर हेवी प्रोडक्टिविटी टास्क के लिए, देन नो डाउट 55,000 प्राइस के आसपास ये लेनोवो आइडियापैड गेमिंग 3 से अच्छा और कोई भी लैपटॉप आपके लिए नहीं होगा। लेकिन इस लैपटॉप का प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, इसलिए मैंने इस लैपटॉप का बेस्ट बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। सेकंड, HP 15S। काफी लंबे इंतजार के बाद HP ने अपने 12th जनरेशन सीरीज लैपटॉप लॉन्च करना शुरू कर दिया है। यह HP 15S उसी 12th जनरेशन सीरीज का ही एक लेटेस्ट लॉन्च पावरफुल मशीन है। यह लैपटॉप एक 12th जनरेशन इंटेल कोर i5 प्रोसेसर के साथ आता है, जिसके अंदर 12 कोर एंड 16 थ्रेड्स है। इस प्राइस के अंदर एक लौता लैपटॉप है जो 12 कोर एंड 16 थ्रेड्स पावरफुल प्रोसेसर ऑफर करता है, जो आराम से हेवी CPU प्रोसेसिंग एंड रेंडरिंग जैसे टास्क कर सकता है। ग्राफिक्स में इस लैपटॉप के अंदर HP ने इंटेल इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स दे रखा है, जो नॉर्मल ग्राफिक्स इंटेंसिव सॉफ्टवेयर्स लाइक फोटोशॉप, प्रीमियर प्रो एंड एडोबी इलस्ट्रेटर के लिए गुड इनफ है। बट यह लैपटॉप हेवी गेमिंग के केपेबल नहीं है। HP ने इस लैपटॉप के अंदर एक 15.6 inches फुल HD एंटीग्लेयर डिस्प्ले इस्तेमाल किया है, जिसका पिक्चर क्लैरिटी काफी अच्छा है आउटडोर डायरेक्ट सनलाइट यूज में भी। इस डिवाइस के अंदर 8GB 3200MHz रैम देखने को मिल जाता है, जो एक साथ 7 to 8 हेवी प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर्स को रन करने के केपेबल है। एंड आप इन फ्यूचर इस लैपटॉप का रैम को 16GB तक अपग्रेड करके लैपटॉप का मल्टीटास्किंग एंड रेंडरिंग परफॉर्मेंस इंक्रीज कर पाओगे। बेटर स्मूथनेस के लिए इस लैपटॉप में HP ने 512GB NVMe M.2 SSD इस्तेमाल किया है, जो फाइल स्टोर करने के साथ साथ ही आपका लैपटॉप का लोडिंग परफॉर्मेंस भी बेटर करता है। HP ने इस लैपटॉप को बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट मटेरियल इस्तेमाल किया है, जो इन हैंड काफी प्रीमियम फील देता है। एंड इसमें HP ने कुछ ज्यादा डिजाइन में चेंजेस नहीं किया है, ये आपको एग्जैक्टली प्रीवियस जनरेशन HP 15S की तरह ही देखने को मिलेगा। सम अदर हाइलाइटेड लैपटॉप फीचर्स आर प्रीलोडेड विंडोज 11, मल्टी टच जेस्चर सपोर्ट एंड सुपर फास्ट टाइप सी पोर्ट। अगर हम इस लैपटॉप की बैटरी बैकअप की बात करें तो ये लैपटॉप आपको करीब करीब 8.5 आवर्स के आसपास बैटरी बैकअप ऑफर करने के केपेबल है, जो कि एक 12th जनरेशन प्रोसेसर होने के बाद भी ऑफर करना काफी बड़ी बात है। इन शॉर्ट, अगर आप एक पावरफुल लाइटवेट मशीन चाहते हो, हेवी प्रोडक्टिविटी करने के साथ साथ ट्रैवलिंग, ऑफिस यूज एंड स्टडी पर्पस के लिए, देन ये HP 15S एक परफेक्ट चॉइस है आपके लिए। हमेशा की तरह इस लैपटॉप का बेस्ट बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। थर्ड, HP Pavilion 14।
ये जो HP Pavilion 14 लैपटॉप है ना, ये बहुत सारे डिफरेंट CPU एंड स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन में अवेलेबल है, लेकिन हम अभी जिस लैपटॉप का रिव्यू कर रहे हैं वो वन ऑफ द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी परफॉर्मेंस लैपटॉप है। इस लैपटॉप को पावरफुल बनाने के लिए HP ने AMD Ryzen 5 5625U CPU इस्तेमाल किया है, जो कि एक 6 कोर एंड 12 थ्रेड्स वाला CPU है। ये CPU हर एक मॉडर्न सॉफ्टवेयर के साथ प्रीमियर प्रो, 3ds मैक्स एंड ब्लेंडर को भी रन करने के कैपेबल है। ऑन द ग्राफिक्स परफॉर्मेंस, जिस लैपटॉप ऑफर्स इंटीग्रेटेड AMD Radeon ग्राफिक्स, which is good enough for a basic graphics processing as well as basic medium setting gaming. इस लैपटॉप के अंदर HP ने कॉम्पैक्ट 14 inches Full HD IPS पैनल इंक्लूड किया है 250 nits brightness के साथ, जो काफ़ी सही पिक्चर ऑफर करता है। उसके साथ ही लैपटॉप का डिस्प्ले बेजल्स भी काफ़ी स्लिम है, जो एक बेटर व्यूइंग एरिया डिलीवर करता है। इसके अंदर HDB DDR4 3200 MHz RAM एंड 512GB NVMe SSD कॉम्बिनेशन HP ने इस्तेमाल किया है। आप इस लैपटॉप में 16GB तक RAM अपग्रेड कर सकते हो, लेकिन स्टोरेज अपग्रेड करने का कोई ऑप्शन नहीं है। हालांकि आप इस पर एक्सटर्नल हार्ड डिस्क यूज कर सकते हो। HP ने इस Pavilion 14 मॉडल बनाने के लिए ओशन बॉन्ड प्लास्टिक इस्तेमाल किया है, जो इस लैपटॉप को ड्यूरेबल बनाने के साथ साथ एक बेटर फिनिशिंग भी प्रोवाइड करता है। एक प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी होने के बावजूद भी यह लैपटॉप ओनली 1300 ग्राम वेट के साथ आता है, जो इसको वन ऑफ द मोस्ट लाइट वेट ट्रैवलिंग लैपटॉप बनाता है। अगर हम इस लैपटॉप की कनेक्टिविटी की बात करें तो इसमें सारे कनेक्टिविटी HP ने दे रखा है, इंक्लूडिंग HDMI एंड USB Type-C। रिव्यू पैंथर के पूरे टीम ने इस लैपटॉप के ऊपर काफी घंटों तक रिसर्च करने के बाद हमें पता चला ये लैपटॉप एवरेज 8.3 आवर्स के आसपास बैटरी बैकअप ऑफर करता है एंड यह डिवाइस फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, जो इसको कम्प्लीटली 1.1 आवर्स के अंदर रिचार्ज कर देता है। इन शॉर्ट, अगर HP 15S अवेलेबल नहीं हुआ और ओवर प्राइस हुआ तो आप HP Pavilion 14 को खरीद सकते हो। ये भी एक काफ़ी पावरफुल मशीन है ऑफिस यूज, ट्रैवलिंग एंड स्टडी पर्पस यूज के लिए। इस HP Pavilion 14 का भी बेस्ट ऑफर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से लेटेस्ट प्राइस चेक करके इसे परचेस कर सकते हो। सो यही थे कुछ बेस्ट लैपटॉप्स अंडर 55,000 जिसे आप अभी 2022 में खरीद सकते हो। अगर मैं मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन दूँ तो अगर आप एक हेवी वीडियो एडिटिंग, गेमिंग एंड हेवी प्रोडक्टिविटी लैपटॉप ढूंढ रहे हो तो Lenovo IdeaPad Gaming 3 इज द बेस्ट चॉइस फॉर यू। अगर आप एक लाइट वेट पावरफुल मशीन ढूंढ रहे हो ट्रैवलिंग, ऑफिस वर्क एंड फुल HD वीडियो एडिटिंग करने के लिए, देन नो डाउट HP 15S इज द मोस्ट रिकमेंडेड लैपटॉप फॉर यू। एंड ऑन द अदर हैंड, अगर HP 15S ओवर प्राइस हुआ तो आप HP Pavilion 14 को परचेस कर लेना, ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर HP 15S की तरह ही परफॉर्मेंस ऑफर करता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू थिंक इन दिस वीडियो आई डिडंट मेंशन योर फेवरेट लैपटॉप, देन कमेंट बिलो। और व्हाइल सिलेक्टिंग योर लैपटॉप, इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम देन लेट मी नो, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई बैक your comment within an hour. Thanks for watching.